अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल महरूज़ ब्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में होंगे। और अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखें, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है लाहौर में। स्पेशली मैं भी लाहौर से हूँ, तो मतलब लाहौर में बहुत ज़्यादा फैल गया है। लाख से ऊपर इसकी मतलब लाख से ऊपर इसके केसेस लाहौर में निकले हैं, पाकिस्तान में भी हैं। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चलें तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के टाइटल में आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज की रेसिपी मैं किस चीज़ की बना रही हूँ। ये बहुत इजी है, इसको ओरियो मूस भी बोलते हैं और ओरियो डेजर्ट भी बोलते हैं। तो आप लोगों को जो नाम अच्छा लगे आप लोग वो रख सकते हैं। मैंने दो ऑप्शंस आपको बता दी हैं। चलें तो अपने इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सी और इजी एंड क्विक रेसिपी है। आप लोग का बच्चे जब भी ये दिल करे आप लोग इसको बना सकते हैं। चलो तो इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो डेजर्ट बनाने के लिए जो हमें मेन चीज़ चाहिए ओरियो, ओरियो से हम लोग ये डेजर्ट तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे ओरियो के लिए हैं, ये वाला पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसमें होते हैं टोटल 12 बिस्किट्स, और जो कि मैंने इसमें 9 बिस्किट्स लिए हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ़ पैकेट क्रीम का यूज़ किया है, मिल्क क्रीम। आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी और इसकी रेसिपी भी, होममेड क्रीम की भी, जल्दी मैं अपलोड करूँगी। और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है कंडेंस मिल्क। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इसका मैं जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसमें हम लोग आपको प्रेजेंट कर ओरियो को डेजर्ट दिखाएँगे। और जहाँ पर हम लोगों ने जो ओरियो लिए हैं उसको हम लोग एक बाउल में लेंगे, उसको छोटा छोटा से पीसेस कर लेंगे। इसकी बेसिक मेथड तो आपको पता ही है। इसको हम लोगों ने छोटा छोटा ना इसको क्रश करना है, ग्राइंड करना है अपने ग्राइंडर। जी तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें ओरियोस डाल दिए हैं, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ओरियोस जो हैं हमारे ग्राइंड हो गए हैं और ये देख रहे हैं आप अच्छे से कि इस बहुत अच्छे से पाउडर्ड ओरियो बन गए हैं। ये जो बिस्किट का ओरियो जो थे वो पाउडर्ड हो गए हैं। इसके साथ मैं आपको एक और ऑप्शन बताऊंगी ओरियो को क्रश करने का। अगर आपकी लाइट नहीं आ रही है इस तरह के, तो पाकिस्तानी घरों में इश्यूज़ होते ही रहते हैं, तो डोंट वरी, आप लाइट का इंतज़ार मत करिएगा। आप एक कपड़ा लें या कोई भी एल्युमिनियम शीट ले लें, उसमें आप बिस्किट्स को रखें और उसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ से उसको दबाएं और आपके ओरियो ऐसे बिल्कुल उसके ओरियो जो हैं वो पाउडर्ड में आ जाएंगे। तो इसकी आपको ऑप्शन बता दी है कि मैंने देसी टॉट का भी अप्लाई किया हुआ है खुद भी। चलें तो इसके साथ जो हमने एक बाउल लेना है, उस बाउल लेने के बाद जो हम लोगों ने क्रीम ली होगी, व्हिप्ड क्रीम, हम वो एक बाउल में डालेंगे। इसको एक जो क्रीम थी उसको एक सेपरेट बाउल में निकाल दिया है जिसमें हम लोगों ने डेजर्ट बनाना है। और ये देखें क्रीम थोड़ी हार्ड है अभी, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मैं इसी से ही मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास बीटर है आप बीटर से कर लें, इलेक्ट्रिक बीटर है उससे कर लें, तो वो आपका ऑप्शन है आपके पास कि आप लोगों ने किससे करना है। तो इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे क्रीम को, ताकि हम इसमें अपने ओरियो डाल सकें, ओरियो जो हम लोगों ने बिस्किट्स के पाउडर बनाया है वो डाल सकें। तो ये आप देख सकते हैं, आप उतना रख सकते हैं जितना आप लोग पसंद करते हैं। मैं इतना पसंद करूँगी कि मैं इतना खा भी सकती हूँ। और एक और बात बताती चलूँ, ये इसमें चीनी नहीं होती, जो क्रीम होती है उसमें चीनी नहीं होती। तो हम इसमें जो हम लोगों ने कंडेंस मिल्क लिया था हम वो थोड़ा सा ऐड। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे और मैं 1 टेबल स्पून इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं बना हुआ और आपका दिल भी नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप इसमें पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं जितनी आपको चीनी पसंद है। कंडेंस मिल्क मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें इस पॉइंट कंडेंस मिल्क डालने के बाद में इसमें ओरियो, जो हम लोगों ने ओरियो का बिस्किट का पाउडर बनाया था वो डालेंगे, इसमें वो डालते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें ओरियो का जो हम लोगों ने बिस्किट का पाउडर बनाया था वो हम मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से, और इसको मिक्स करते हैं। ये बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे और ये बहुत टेस्टी होगा, मैंने पहले भी खाया हुआ है। और बहुत ज़्यादा मज़े का ये लग रहा है और हम इसको खाएंगे। और ये ज़्यादा बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ओरियो बिस्किट तो वैसे ही बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है और ये बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और भरे भी खाते हैं। मैं भी पसंद करती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ लेकिन मैं भी इसको पसंद करती हूँ। ये देखें बहुत मज़े का ये लग रहा है। तो हम इसको अब डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। जी तो फ्रेंड्स मैंने इसको डिश आउट कर लिया और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये बच्चों को आप देंगे तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, हैप्पी स्माइली मतलब साइन देख के वैसे ही बच्चे खुश होंगे। और आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।